अभी 2 दिन के लिए ये आंदोलन जो है अपनी जगह जहां पर चल रहा है यहां पर ही चलता रहेगा। सारी घिनौरी की परिस्थिति का जायजा लेने के बाद वहां क्या कुछ चल रहा क्या नहीं चल रहा उन सब बातों को देखते हुए आगे का निर्णय लेंगे। जो इससे पहले मनजीत सिंह जो थे जो शहीद हुए थे हार्ट अटैक से, उनका अभी शरीर भी हॉस्पिटल में है। पंजाब सरकार की ओर से अभी उनका जो 5 लाख का मुआवजा उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस सब बातों को सभी को निपटारे के लिए अब हम शंभू से एक टीम लीडर्स की भेजेंगे। घनौरी जाकर सारी परिस्थितियों को जायजा लेगा। और जो मैंने कहा था कि जो भी विरोधी दल है, अभी पंजाब में 13 MPs हैं, राज्यसभा के मेंबर, उनका किसी का बयान अभी नहीं दिख रहा कि अगर मोदी सरकार पार्लियामेंट में MSP लीगल गारंटी कानून के लिए एक दिन का सत्र लाती है तो हम वोट किसान MSP के पक्ष में डालेंगे। और देश की सभी विरोधी दलों ने भी अभी तक स्पष्ट नहीं किया है वो क्या कहते हैं, भी एक दिवसीय अगर सत्र आता है तो क्या उन सब का निर्णय, चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य पार्टियों हो, उनका निर्णय क्या रहेगा। तो हम कहते हैं विरोधी दलों को ये स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। जैसे आप कल आगे बढ़े तो पीछे माहौल खराब, माहौल ऐसा क्रिएट किया, विरोध किया, फूट डालने की कोशिश शुरू से आप कर रहे हैं। हाँ देखिए, हमने पहले भी बोला था हमारे आंदोलन में एजेंसियों की सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से जिस तरह के लोग भेजे जा रहे हैं, जिस तरह से कल उन्होंने मीडिया की तारे वैन की भी काट कूट दी, तो ये मतलब आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार हर तरह का प्रयास करने का यत्न कर रही है। हम सब देश के किसान मजदूर थे, शंभू बॉर्डर पे सभी लोगों से अनुरोध करेंगे, ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया, इसको संभालने की जो भी सरकार की एजेंसियों द्वारा भेजे जा रहे लोग हैं उनको पहचानने की बहुत जरूरी है। और ये जो कुछ हुआ ये आगे से ना हो, इसके लिए आज हम पुल बिल्कुल इसका प्रबंध करेंगे। एक सरवन जी, एक देखा गया है कि जो उनका ड्रोन आता है कल के गया टीयर गैस का, उस पर आपका कहना बन जाता है कि अगर रुख किस तरफ है। हाँ देखिए, कल जो जो कौमांतरी पत्र जो इंटरनेशनल समझौते हैं वहाँ कभी भी मेडिकल कैंप्स के ऊपर और या मीडिया के ऊपर अटैक नहीं किया जाता, तो कल हमने देखा खनौरी खालसा एड का जो कैंप था मेडिकल का, उसके ऊपर भी हमला हुआ। जो हमारे लाइफ केयर इधर प्रोजेक्ट के जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर थे वो बोल रहे थे मैं स्टिचेस कर रहा था तो मेरे ऊपर उस समय बम फेंका गया। तो यहाँ शंभू पर भी हुआ, मीडिया पर भी जब पीसफुली खड़े होते हैं तो मीडिया के ऊपर ड्रोन आता है और आप सारथी हैं और उस वो दुर्वर्तको करता हमारे लोगों को भड़काता, स्टेट खुद हम पे हमला करता और हमें प्रमोक करता है भी आगे बढ़िया, हम पीसफुली पोजिशन में होते हैं भी आगे बढ़ना है तो पीसफुली ढंग से बढ़ना, तो ये निंदनीय कार्रवाई है भारत सरकार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।